Hey, what is up, guys? My name is Nihar. Welcome to my channel. So, guys, yes, it is confirmed. Galaxy Z Fold 3 is confirmed. और guys, उसके साथ उसके बहुत सारी स्पेसिफिकेशन और बहुत सारी चीजें कंफर्म्ड हो चुकी हैं. तो guys, आपको चीज जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा. Let's deep dive in the video. गाइस, काफ़ी दिनों से ये रूमर्स आ रहे हैं कि एस पेन सपोर्ट Z Fold 3 में मिलेगा और ये नोट सीरीज को रिप्लेस कर देगा. काफ़ी दिनों से ये एक डिबेट बना हुआ है कि वेदर और नॉट एस पेन होगा या नहीं. कंपनी खुद भी इस बात पे श्योर नहीं है अब तक वो एस पेन देंगे या नहीं, क्योंकि फोल्डेबल फ़ोन्स बहुत ही डेलिकेट होते हैं. मगर कंपनी इस चीज़ को लेकर प्लान कर रही है जिससे पॉपुलर पेन स्टाइलर्स का सपोर्ट मिल सके. अकॉर्डिंग टू साउथ कोरियन वेबसाइट 18 न्यूज़, सैमसंग ने सारी डेवलपमेंट कर ली है फॉर एस पेन टेक्नोलॉजी फॉर द फोल्डेबल फ़ोन्स, और उन्होंने कंफर्म किया है वो लोग मास प्रोड्यूसिंग भी स्टार्ट कर देंगे स्टार्टिंग ऑफ मे में, और फ़ोन जून से मास प्रोड्यूस्ड होगा. उन लोगों ने ये भी कंफर्म किया है कि उन लोगों ने डेवलप किया है एक नए अल्ट्रा थिन ग्लास का जो कि नए एस पेन के प्रेशर को झेल पाएगा. अब जो क्लियर नहीं है वो है Z Fold 3 में कोई डेडिकेटेड स्लॉट होगा या नहीं एस पेन को रखने के लिए. अगर Z Fold 3 को प्रॉपर अल्टरनेटिव बनाना है नोट सीरीज का तो उन्हें एक प्रॉपर स्लॉट देना पड़ेगा फॉर द एस पेन, नहीं तो एस पेन बाद की बात रह जाएगी और लोग इसे भूल भी जाएंगे. मगर एट द सेम टाइम फोल्डेबल फोन्स में लिमिटेड स्पेस होते हैं उनके अंदर, और एस पेन के लिए स्लॉट बनाना मतलब बैटरी से कॉम्प्रोमाइज़ करना या तो स्लिम चैसी से. एक रिपोर्ट में ये भी कंफर्म्ड है कि Z Fold 3 जुलाई में लॉन्च होगा. बात हो रही है फोल्डेबल फ़ोन्स की, तो आपको याद होगा हुवावई ने अपना पहला फोल्डेबल फ़ोन मेट एक्स को लॉन्च किया था. लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया था उसके आउटवर्ड फोल्डिंग डिस्प्ले को लेके क्योंकि ईजिली स्क्रैच के चपेट में आ सकता था. इंटरेस्टिंगली हुवावई ने इसका जवाब भी दिया था कि गैलेक्सी Z Fold का इनवर्ट डिज़ाइन सही नहीं है, मगर बाद में उन्होंने एडमिट किया कि वो गलत हैं और सैमसंग के डिज़ाइन सुपीरियर हैं. और फिर मेट एक्स 2 को लॉन्च किया गया इनवर्ट फोल्डिंग डिस्प्ले के साथ जो कि काफ़ी आइडेंटिकल दिखता है गैलेक्सी Z Fold जैसा. इनफैक्ट ये Z Fold का कॉपी लगता है, सेम फॉर्म फैक्टर, सेम हिंज डिज़ाइन और भी बहुत कुछ, जैसा कि आप जानते हैं कि Mate X2 को ऑफिशियली अनवील्ड किया गया है चाइना में. अब मैं कुछ स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ इस हैंडसेट के बारे में, और ये एक्चुअली में बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन ऑफर करता है जैसा कि 10x पेरिस्कोप जूम, 66 वॉट चार्जिंग और भी बहुत कुछ. कैमरा डिपार्टमेंट में भी काफ़ी तगड़ा है P40 Pro जैसा. इसमें 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा विजन कैमरा है, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा और 8 मेगापिक्सल का सुपर जूम कैमरा है. आउटर डिस्प्ले 8 इंचेस का है और इनर डिस्प्ले 6.5 इंचेस का है. दोनों डिस्प्ले में 90 हर्ट्ज डिस्प्ले हैं विद 180 टच सैम्पलिंग रेट के साथ. इसमें फ्रंट कैमरा नहीं है, इसमें कोई भी अंडर डिस्प्ले कैमरा भी नहीं है जिससे आप वीडियो कॉल भी नहीं कर सकते हैं जस्ट लाइक उनके ओरिजिनल मॉडल जैसा. इंटरेस्टिंगली हुवावई ने बताया है कि मेट एक्स 2 में कोई भी क्रीज देखने को नहीं मिलेगा. इनफैक्ट ये क्या है, जैसा कि आप ये रियल लाइफ इमेजेस देख सकते हैं मेट एक्स 2 का, और ये एक बहुत ही बड़ा झूठ है. एनीवे गाइस, ये फ़ोन $2800 प्राइस पे अवेलेबल है जो कि बहुत ही ओवर प्राइज्ड है, और ये चाइना एक्सक्लूसिव भी है. सो गाइस, व्हाट डू यू थिंक, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस. एंड गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को एक लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें. टिल नेक्स्ट वीडियो, पीस.